के नाम पर हो रही अवैध वसूली, सीएचसी से बनी का डोर, जिम्मेदार मौन। राम सनेही घाट जहां एक तरफ सरकार सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए तमाम तरह के निशुल्क सुविधाओं का आम जनमानस तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं उनके कर्मचारियों के द्वारा स्वास्थ्य सेवा के नाम पर पैसे कमाने का खेल जोरों पर चल रहा है और जिम्मेदार अधिकारी मौन है। मामला तहसील राम सनेही घाट के सीएचसी बनी कडोर का है, जहां पर खून जांच के नाम पर प्रत्येक मरीज से 30 रुपए लिया जाता है। खून जांच के नाम पर हो रही अवैध वसूली से मरीजों को काफी परेशान होना पड़ता है। रिपोर्टर पंकज शुक्ला की रिपोर्ट। आसाराम, क्या पैसा लिए थे आप? 30 रुपए। किस चीज का? जांच के। कौन सी जांच? सर मेरे को पता नहीं कौन सी जांच है, खून जांच होगी। आपका आपका क्या कराने आई है? खून जांच। पैसे वोटर नहीं लेते हैं? पैसा लिया। कितने रुपए लेते हैं? 30। कौन से अस्पताल में आप आए हैं? सरकारी अस्पताल। क्या कराने आए? मेरा भतीजा उसका चेकअप कराने आए थे ब्लड का। हाँ। तो 30 रुपए। हाँ। किसने 30 रुपए लिए आपसे? ये डॉक्टर साहब। अच्छा, 30 रुपए ले लिए गए आपसे जी। ये अस्पताल कौन सा है? सरकारी अस्पताल। नाम बताइए पूरा अस्पताल का। राम सनेही। अच्छा। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल M4U News को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, जिससे आपको सभी न्यूज प्राप्त हो सके। संपर्क सूत्र 8445657566।